देश की रफ्तार बढ़ने वाली है। मिलने वाली है पहली बुलेट ट्रेन। दौड़ेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। दरअसल देश को बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन जल्द मिलने वाली है, जिसकी रफ्तार अचंभित करने वाली होगी। ये देश की पहली बुलेट ट्रेन होगी और इसी वजह से लोगों में इसको आने को लेकर काफी उत्सुकता भी है। ये बुलेट ट्रेन जापान की मदद से भारत की रफ्तार बढ़ाने वाली है। बुलेट ट्रेन के मामले में जापान को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है और अब वो भारत में भी बुलेट ट्रेन के चलने में सहयोग करने वाला है। एशिया की पहली विकसित अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल करने वाले जापान की बुलेट ट्रेन का नया वर्जन भारतीय पटरियों पर दौड़ता हुआ नजर आने वाला है। जो बुलेट ट्रेन भारत को जापान से मिलने वाली है वो इस समय जापान के सेवारत में है, जिसकी अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को भारत की जरूरत के मुताबिक संशोधित किया जाएगा। ट्रेन का प्रयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत होगा, जिस पर भारत अनुमान के मुताबिक 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक यह काम पूरा हो जाएगा। बुलेट ट्रेन के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच दूरी बस 3 घंटे में पूरी हो सकेगी, जिसे तय करने में अभी लगभग 11 घंटे का समय लगता है। ये ट्रेन मुंबई के अलावा 11 स्टेशनों पर रुकेंगी, जिसमें थाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती जैसे खास नाम शामिल है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफिशियल के मुताबिक एक तरफ की ट्रिप इस बुलेट ट्रेन से करीब 3000 रुपए की पड़ेगी। और अब जब जापान से बुलेट ट्रेन भारत आ रही है तो लोग काफी उत्साहित है। जापान एक ऐसा देश है जिसने बुलेट ट्रेन की तकनीक को ईजाद किया। बुलेट ट्रेन के चलने के लिए वहां पर खास तौर से रेलवे लाइनों का निर्माण भी किया गया था। जापान में पहली बुलेट ट्रेन यानी शिनकानसेन का निर्माण का श्रेय चीफ इंजीनियर हाइदो सिमा और जापानी नेशनल रेलवे के पहले प्रेसिडेंट शिंजी सोगो को जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 3 ऐसे लोगों को टेक्निकल कार्यों में लगाया गया था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।